जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल की खास बातें क्या हैं और वो वजह कौन सी है जिसके चलते जानवी कपूर ने हेलीकॉप्टर चला तो लिया पर बताने से डरने लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैं नहीं जानती कि मैं ये बात कह सकती हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे गुंजन सक्सेना के लिए चॉपर चलाने का मौका मिला। ये बात मैं नहीं, ये कहा है जानवी कपूर ने राजीव मंसद को दिए एक इंटरव्यू में। लेकिन क्या है पूरी बात और बात का कॉन्टेक्स्ट, इसके लिए हमें गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये फिल्म 13th of March 2020 को रिलीज होने वाली है। ये एक बायोपिक होगी जो करण जौहर के बैनर तले धर्मा प्रोडक्शन में बनने वाली अगली मूवी होगी। नहीं सॉरी, अगली नहीं, उससे पहले भूत पार्ट 1 भी आने वाली है। लेकिन धर्मा प्रोडक्शन जो आजकल गुड न्यूज की सक्सेस को एंजॉय कर रहा है, उनके इस प्रोजेक्ट में लीड रोल में इन एंड एज होगी जानवी कपूर, जिनकी अभी अभी नेटफ्लिक्स पर घोस्ट स्टोरीज आई थी। जानवी के साथ साथ इसमें लीड रोल्स में होंगे मिर्जापुर फेम पंकज त्रिपाठी, इनसाइड एज फेम अंगद बेदी और मानव विज। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शरण शर्मा। शरण शर्मा और करण जौहर कॉफी विद करण के चलते काफी क्लोज हैं। शरण 2013 और 14 के दौरान इस शो में करण की पर्सनल टीम में रहे थे। ऐ दिल है मुश्किल जिसे करण ने डायरेक्ट किया था, शरण उसके क्रिएटिव डायरेक्टर थे। उनका और करण का कनेक्शन लस्ट स्टोरीज और ये जवानी है दीवानी से भी रहा था। जैसा कि काफी हद तक नाम से ही जाहिर है, मूवी गुंजन सक्सेना के बारे में है। भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट रह चुकी गुंजन 25 सदस्यों वाली इंडिया के पहले महिला एयर फोर्स पायलट बैच से है। रिटायर हो चुकी गुंजन शौर्य चक्र से सम्मानित की जा चुकी है 1999 में हुए कारगिल वॉर में उनकी बहादुरी के लिए। कारगिल वॉर के दौरान गुंजन और उनकी साथी पायलट श्रीविधा राजन ने कश्मीर में घायल हुए जवानों को बीच वॉर से वापस घर लाने का काम किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां जवानों की जो भी जरूरतें थी, जैसे खाना, मेडिकल फैसिलिटी, सब इन्होंने ही मुहैया करवाया था। ऊपर से पाकिस्तानी वॉर जोन्स पर भी नजर रखने का काम इनके ही जिम्मे था। तो जहां जानवी इन बहादुर लेफ्टिनेंट का किरदार निभाने वाली है, तो जब उनसे इस अनुभव के बारे में पूछा गया तो जानवी कपूर ने बताया कि मेरे साथ एक पायलट थे फ्रांसिस्को, जिनका ये हेलीकॉप्टर था, लेकिन मैंने हेलीकॉप्टर में इतने घंटे बिताए कि उन्हें मेरे लिए ऐसा महसूस हुआ मानो तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है और मैं तुम्हें कंट्रोल सौंपने वाला हूँ। लाजमी है कि जिस फिल्म के लिए जानवी कपूर शूटिंग कर रही थी उसमें उनके काफी सीन हेलीकॉप्टर में रहे होंगे, लेकिन ये सारे सीन लास्ट में शूट किए गए। तब एक साल की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। इस दौरान जानवी कपूर जिद करते हुए कहा करती थी कि मुझे उड़ना है, मुझे पायलट बनना है, क्योंकि ओवरऑल फिल्म की शूटिंग करके हेलीकॉप्टर वाले सीक्वेंस को आखिर में शूट किया गया है। वहीं इस इंटरव्यू के दौरान जानवी कपूर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा था, तो जब मैं पहली बार चॉपर पर बैठी, टीम में सबकी आंखें गीली थी, ये बहुत ही इमोशनल यात्रा थी। लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि जानवी ने ऐसा क्यों कहा, कि मैं नहीं जानती कि मैं ये बात कह सकती हूँ कि नहीं। अब देखिए, आर्मी से जुड़ा मामला है, शूटिंग के दौरान ही उनको पता चल गया होगा कि आर्मी से जुड़ी छोटी से छोटी चीज कितनी संवेदनशील होती है। साथ ही जिन्होंने उन्हें चॉपर उड़ाने की इजाजत दी, उनकी नौकरी पर भी बात आने की संभावना थी। लेकिन अब तो बात कह दी, अब पछताने से क्या होता है। तो दोस्तों, आप कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म के लिए और आपको क्या लगता है कि जानवी कपूर इस किरदार को बखूबी निभा पाएंगी या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।